नवरात्रि पावन पर्व का ये तीसरा दिवस हम लोग चिंतन कर रहे थे। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे दी। पहले दिन माँ जगदम्बा के इन नौ स्वरूपों में से पहले स्वरूप का शैलपुत्री के रूप में जो अचल अटल अखंड संकल्प का परिचय कराने वाली, जीवन जीने वाली, जीवन शक्ति देने वाली, फिर ब्रह्मचारिणी ब्रह्म जैसी जिसकी चर्या जिसमें सहजता है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें दिव्यता है, ऐसी चर्या ब्रह्म सी चर्या, ये किसी और के लिए नहीं, ये सारे नौ स्वरूप हम सब के लिए हैं कि इन नौ स्वरूपों को इन शक्ति दिवसों में यदि हम जीवन में सच्ची शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन स्वरूपों का चिंतन करें और इन स्वरूपों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को शक्तिमान बनाएं, ऐसी शक्ति जो दूसरों को सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसी शक्ति जो दूसरों की रक्षा करे, ऐसी शक्ति के शक्ति होते हुए भी आप दूसरे का हित चिंतन करें, अहित चिंतन नहीं। माँ का तीसरा स्वरूप तृतीयम चंद्र घंटे दी, एक ऐसा स्वरूप जो चांद सा उजियारा देने वाला है, दिन में सूर्य का प्रकाश, उसका अपना ताप है, लेकिन चांद के प्रकाश में बड़ी शीतलता है, शीतलता है, अमृत बरसता है रात्रि में। और इन नौ रात्रियों में एक बात और समझने की है कि हमारे यहाँ रात्रि एक तो तमस का प्रतीक है, लेकिन रात्रि सिद्धि का भी प्रतीक है, जो सिद्धि प्रदायिनी है। इसलिए इन्हें नवरात्रि नवरात्र तो कहा, लेकिन ये अहोरात्र है। अहोरात्र माने विशेष रात्रियां, स्पेशल नाइट्स। एंड स्पेशली इन आवर कल्चर, हमारे संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो एक बात विशेष देखने की आएगी। नवरात्रियां दो आती हैं, एक चैत्र मास में जो शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और दूसरी आश्विन मास में, ठीक छह महीने बाद। ठीक छह महीने बाद ऋतु परिवर्तन भी होता है। वहां तो ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ ऋत परिवर्तन हो, मेरे भीतर के सत्य को मैं जांच सकूं, मैं देख सकूं कि मेरे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है। छह महीनों में बहुत कुछ घटता है और ऐसा कुछ घटता है जो घटाता भी है, जो घटता भी है, लेकिन मैं देखूं कि मुझे क्या घटा रहा है और क्या मुझे घट रहा है, उसका चिंतन ही इन रात्रियों में हो, इन दिवसों में हो। दूसरी बात, शिवरात्रि नवरात्रि और होलिका की रात और फिर दिवाली की रात, अमावस्या की रात, ये सारी रात्रियां सिद्धि प्रदायिका हैं, जो भीतर के तमस को दूर करके जीवन में प्रकाश रूपी सिद्धि प्रदान करती हैं। सिद्धि केवल इतनी नहीं है कि मैं सिद्ध हो जाऊं, सिद्धि वो है जो शुद्धि प्रदान करे, जो जीवन को शुद्ध बना दे, जो जीवन को मुक्त बना दे, जो जीवन को दिव्य बना दे। इसलिए इन रात्रियों में एक विशेष कृपा होती है, अहोरात्रि विशेष रात्रि, और इस अहोरात्र में हम अहोभाव को प्राप्त हो सके। कैसे होगा वो, उसके तीन मंत्र, सेवा साधना और समर्पण। साधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति को सेवा करते करते भी कई बार अहम का भाव आ जाता है कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं चलेगा, नहीं बजेगा, नहीं होगा, ये सब कुछ होता है, ये सृष्टि का क्रम है। हम नहीं थे तो भी चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा, बस ये बीच के जो दिवस मिलते हैं ये इसलिए हैं कि प्रभु ने कृपा की है, कि जो शक्ति प्रदान की है, जो अवसर प्रदान किया है, उसकी धन्यता हम सबको अनुभव हो सके। इसलिए अहोभाव, अहोभाव जीवन का परम भाव है। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है सेवा। सेवा में व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि होती है, व्यक्ति का अहम घटता है, अहम मिटता है, अहम पिघलता है। जितनी ज्यादा सेवा होगी
ये मत सोचें। और सेवा करने के लिए कई बार क्या किसी ने कुछ कह दिया, बस वहीं बिखर गए, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, बस हो गया काम। आज तो मैं बहुत अपसेट हूं। सेवा के क्षेत्र में मानकर चलिए, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा, ऐसा कहते हैं। ये नेकी का क्षेत्र है, कोई आपको भला नहीं कहने वाला है। आप किस भाव से कर रहे होंगे, सामने वाला उसका भी भाव लगा रहा होगा। आप भाव से कर रहे हैं लेकिन वो माप तोल कर रहा होता है, जरूर कोई चक्कर होगा, ऐसे थोड़ा ना किया होगा। ले कोई कुछ भी समझे, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, भाव यदि कोई दे सकता है तो परमात्मा दे सकता है। भाव से सेवा करिए, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना कोई, भाव बिना हरि क्यों मिले, आप सोचिए। इसलिए भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हम अपने जीवन को समर्पित करें। फिर बोला तीसरा है समर्पण। किसको समर्पित करें? जिसको हमने वरेण्य किया, वरेण्यम, जिसको हमने चुना। किसको चुना? बोले सब कुछ देखकर एक को चुना। बोले ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। ये सारी सेवा, ये सारा चिंतन, ये सारा जो विस्तार है, ये केवल इसलिए नहीं है कि कमरे बन जाए, लोग आके रहे, तो होटल बहुत है इसके लिए। ये इसीलिए है कि मैं देखते देखते ऐसा देखूं कि बस एक रह जाए। और यहां ऐसा हो जाता, देखते देखते ऐसा देखे मैं रह जाऊं, बाकियों को कैसे साम दाम दंड भेद से ऐसा पीछे हटाना है, ऐसा तोड़ना है ताकि वो टूट जाए और मैं रह जाऊं। आप याद रखिए, तोड़ने वाले टूट जाते हैं, जोड़ने वाला ही जोड़ पाएगा और सारी चीजों को खड़ा कर पाएगा। मेरे साथ एक नहीं, अनेक जुड़ जाएं। अनेक जुड़ेंगे तो इसको जोड़े रखेंगे, नहीं तो आप भी नहीं जोड़ पाएंगे। ना तो साम काम करता है, ना दंड काम करता है, ना भेद काम करता है, ना दाम काम करता है। बड़े बड़े लोग थे जिनके पास दाम था, चले गए इस जहां से। बड़े बड़े लोग तो जिनके पास साम था, दंड था, भेद था, चले गए, कुछ नहीं रहा। इसलिए ये नीति ना रखे कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आगे बढ़ जाए। दूसरे को आगे बढ़ाना ही तो जीवन है। मैं अपनी लकीर को ऐसी बड़ी करूं कि दूसरे की घटा के नहीं, दूसरे की मिटा के नहीं, दूसरे की लकीर मिटते मिटते मैं खुद मिट जाऊंगा। दूसरे की लकीर घटाते घटाते मैं खुद घट जाऊंगा, क्योंकि देखने वाला परमात्मा है। आप नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, देखने वाला परमात्मा है। बस वहीं से सारे जादू चलते हैं, वहीं से सारे मंत्र चलते हैं, पता भी नहीं लगता है और बात बन जाती है। इसलिए ये चिंतन के क्षण है, अहोभाव के क्षण है। अपने जीवन को अहोभाव में, परम भाव में समर्पित कर दें, यही इन रात्रियों का विशेष महत्व है। तो चांद से शीतलता कैसे प्राप्त होगी? चांद सी चांदनी के जीवन में ताप भी है, संताप भी है और शाप भी है, लेकिन उन सब को मिटाने के लिए नवरात्रि का जाप बहुत जरूरी है। कोई ताप, कोई श्राप, कोई संताप, अगर उसमें कोई सार्थक है, आपने देखा होगा किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, आपका ग्रह खराब है, इस ग्रह में ये बैठा है, इस ग्रह में ये बैठा है, उसके बाद क्या करना है? बोले जप करो, इतना जप करो, और अगर रोज जप करो तो बात नहीं बन जाएगी, तो फिर किसी दिन ये बात ही नहीं आएगी। इसलिए यहां रहते रहते रोज जप करें। सवेरे सवेरे उठ के व्हाट्सएप पे जाओ, 6 बजे से 5 बजे से लोगों के व्हाट्सएप शुरू हो जाते हैं। सवेरे का समय हम पक्का कर लें कि मुझे जप भी करना है, इसका प्रयास करें, और सोने से पहले मुझे जप करना है, तो ताप भी मिटेगा, संताप भी मिटेगा। कोई अगर कोई किसी ने श्राप भी दे दिया, लगते नहीं है ऐसे श्राप, तो वो भी मिटेगा, क्योंकि जाप का प्रभाव सारे ताप को मिटा देता है। इसलिए ये रात्रि नहीं है, बल्कि सिद्धि प्रदान करने की ये विशेष 9 दिवस हैं। आइए इसमें चिंतन करें,
और फिर इस चिंतन में शीतलता, सहजता, ये जो अमृत की तरलता है जो बरसता है, ये जीवन में प्राप्ति के लिए माँ के इस स्वरूप का ध्यान करें। इस स्वरूप का ध्यान करते करते जीवन सरल बनेगा, सहज बनेगा, शीतल बनेगा। और भैया यही प्राप्ति ही जीवन को सार्थक बनाती है। शुंभ निशुंभ विदारे, और आज तीसरे दिन धूम्र लोचन का, ये धूम की तरह हमारी लोचन पर छा जाता है ऐसा राक्षस, उस कुहासे को छांटने के लिए माने इस स्वरूप का दर्शन कराया, ताकि हम अपने जीवन को मस्त बनाते हुए, व्यस्त रहना है, एक एक क्षण मेरा सेवा में लगे। मैं क्यों करूं, सामने वाला नहीं कर रहा, ये नहीं है, बल्कि सामने वाला करे कि ना करे, मुझे तो इतना ही बताया था, दरी हटा दो, बस हम दरी हटा दी हमने, मुझे तो इतना बताया था कि ये चटाई हटा दो, चटाई हटा दी हमने, ये चटाइयां नहीं हट रही हैं, ये दरियां नहीं हट रही हैं, मेरे भीतर की परतें हट रही हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, फिर बाहर काम नहीं लगेगा, बाहर ये छोटी सेवा नहीं लगेगी, बल्कि लगेगा इस सेवा के माध्यम से मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या करती थी वो सवेरे 3 बजे, आप तो 7 बजे की बात है, 7 बजे आके आसन बिछाना है, 3 बजे सवेरे उठ के, 2:30 बजे उठ के वो सवेरे करती, ताकि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, और अपने राम की उन गलियों को, पता नहीं कौन सी गली से आ जाए, हर गली को साफ करती थी। हमें तो केवल इतने से आंगन को देखना है या उतने से आंगन को देखना है, ये बात ध्यान रखें कि ये आंगन साफ नहीं हो रहा है, ये मन का प्रांगण साफ हो रहा है। इसलिए आइए अहम भाव से सेवा नहीं करनी है, बल्कि अहम से मुक्त होकर कि मेरा सौभाग्य है कि प्रातःकाल मेरे को दरिया बिछाने का अवसर मिल रहा है। इस यात्रा के नहीं, केवल प्रार्थना के नहीं, बल्कि ये जीवन की भी एक शुरुआत हो जाती है इसमें। और इस शुरुआत में जो ठीक से कर लेता है, प्रभु की कृपा की बरसात भी उसी के ऊपर होती है। ये कोई किसी को लेता नहीं है, कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा है, जो भी आप कर रहे हैं ये अपने लिए। और जो अपने लिए जब उस कृपा को प्राप्त कर लेता है, फिर वो अपनों के लिए भी सार्थक हो जाता है। ना तो जीवन फिर अपने लिए रहता है, ना अपनों के लिए रहता है, जीवन विशाल व्यष्टि के लिए नहीं समष्टि के लिए हो जाता है। इसलिए आइए चांद से चमकते रहें, केवल बाहर नहीं भीतर भी चांद से चमकें। उसके लिए भीतर सेवा से शुद्धि हो, साधना से शुद्धि हो, और समर्पण से शुद्धि की यात्रा हो। आइए इसी के साथ आज का चिंतन प्रभु के चरणों में समर्पित।